बाबा रामदेव के समर्थन वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयरों ने लगातार तीसरे दिन अपना नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। एनएससी पर स्टॉक दिन के कारोबार के दौरान 1495 रुपए के स्तर तक गया, जो उसका नया ऑल टाइम हाई है। इससे पहले पतंजलि फूड्स ने बुधवार 21 सितंबर को 1467.25 रुपए का नया ऑल टाइम हाई छुआ था। हालांकि दिन का कारोबार बढ़ने के साथ पतंजलि फूड के शेयरों में गिरावट देखी गई और कारोबार बंद होने के समय एनएससी पर ये 0.85% की बढ़त के साथ 1479 रुपए के भाव पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर की कीमत करीब 31% चढ़ चुकी है। स्टॉक में तेजी के साथ पतंजलि फूड्स का मार्केट कैप 53.46 हजार करोड़ रुपए हो गया। पतंजलि ग्रुप ने हाल में अपनी 4 और कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही एक्सपर्ट्स इस स्टॉक पर बुलिश दिख रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने 20 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट में पतंजलि फूड्स के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 1750 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। पतंजलि फूड्स की वैल्यूएशन और शेयर आउटलुक पर ब्रोकरेज ने कहा, पतंजलि फूड देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है और एडिबल ऑयल के साथ कई फूड कैटेगरी में भी मौजूद है। कंपनी हेल्दी आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स की खपत में बढ़ोतरी का लाभ उठाने के लिए तैयार है। साथ ही कंपनी एडिबल ऑयल और दूसरे सेक्टर पर अपनी क्षमता विस्तार भी कर रही है, जो इसे फायदा दिलाएगा। वहीं HDFC सिक्योरिटीज ने भी पतंजलि फूड्स के शेयरों में 1602 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि पतंजलि फूड्स के शेयर अगले 6 महीने में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। ब्रोकरेजेस ने पतंजलि फूड्स के शेयरों का टारगेट प्राइस ऐसे समय में बढ़ाया है जब पतंजलि ग्रुप अपनी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। बाबा रामदेव ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा था कि पतंजलि ग्रुप की 4 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। इन सभी कंपनियों का IPO अगले 5 साल के अंदर आएगा। जिन 4 कंपनियों का IPO बाजार में आएगा, उनमें पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल है। बाबा रामदेव ने कहा कि इन कंपनियों के बाजार में लिस्ट होने से ग्रुप का टर्नओवर जो अभी 40,000 करोड़ रुपए है, वो अगले 5 साल में बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।